झंडू नित्यम 100% आयुर्वेदिक दवा है। इसके इस्तेमाल कई तरह की पेट की समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर यूके मिश्रा और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ झंडू नित्यम आयुर्वेदिक वट्टी के बारे में। इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि झंडू नित्यम का क्या यूज होता है, इसका इफ़ेक्ट क्या क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, किस तरह से आपको इसको यूज करना है तथा पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसके अलावा दो टिप्स मैं वीडियो के लास्ट में आपको दूंगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज की शिकायत रहता है, पेट साफ नहीं होता है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि दवाइयों और स्वास्थ्य से संबंधित इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो जिस चैनल पर लाता रहता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोज आपको रेगुलर मिलती रहें। तो दोस्तों बात करें अगर झंडू नित्यम की तो ये आयुर्वेदिक है पूरी तरह से और 100% आयुर्वेदिक लेक्जेटिव का काम करता है। इसके एक टेबलेट में 3-in-1 बेनिफिट मिलता है। अगर बेनिफिट्स की बात करें तो ओवरनाइट रिलीफ मिलता है एक तो, दूसरा ये इजी टू यूज होता है, आप आसानी से इसको ले सकते हैं। इसके अलावा नो एब्डोमिनल क्रैम्प्स होता है। कई तरह की जो एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं जिसको लेने से अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपके पेट में दर्द या ऐठन होता है, लेकिन नित्यम टेबलेट लेने से ऐसी कोई शिकायत नहीं होती है। तो ये थिंग्स के बेनिफिट्स होते हैं। बात करें अगर इसके यूजेज की तो दोस्तों ये कई तरह की कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। इसके अलावा अगर किसी को अपच की शिकायत है, गैस्ट्राइटिस है तो ये भी टेबलेट बहुत अच्छी तरह से काम करता है। इसके अलावा अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें कि क्या क्या मिलाया जाता है इसको बनाने के लिए, तो 7 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स मिला के इस टेबलेट को बनाया जाता है। उसमें त्रिफला होता है, इसके अलावा एरंड तेल होता है, संचाल होता है, अस्ति मधु होता है, सोनपत्री होता है, हरित की होता है, इसके अलावा सौंफ होता है। इसमें प्रयुक्त होने वाला जो सौंफ होता है वो इंटेस्टाइनल क्रैम्प से रिलीफ दिलाता है। इसके अलावा जो हरित की होता है वो कोलोन को क्लीन करता है अच्छे से। इसके अलावा दोस्तों इसमें होता है सोनपत्री जो कि बॉबल मूवमेंट को इजी बनाता है, और यास्ती मधु आपके इंटेस्टाइन को सूथेज और रिलीफ करता है आपके ब्लोटिंग से। और इसके अलावा त्रिफला जो होता है वो मेंटेन गट हेल्थ, आपके जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के हेल्थ होते हैं उसको पूरी तरह से मेंटेन रखने का काम करता है। नाउ अब हम बात करते हैं कि इसका क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होता है। तो दोस्तों चूँकि ये एक आयुर्वेदिक टेबलेट है तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है ये टेबलेट आपके लिए। अगर किसी को गैस की शिकायत है, लैट्रिंग सही नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है तो ऐसे मरीजों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। बात करें अगर इसके डोज की तो दोस्तों इसका जो डोज होता है वो होता है 1-2 टेबलेट गुनगुने पानी के साथ एट द बेड टाइम आपको लेना चाहिए। अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत रहती है तो वो इसको 2 गोली भी ले सकता है एट द बेड टाइम। इसको गुनगुने पानी के साथ लेने से इसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा होता है। इसको प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं लेना चाहिए क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन में ये कंट्रा इंडिकेटेड होता है। अपने डॉक्टर के सलाह पर ही यूज करें तथा 12 साल से छोटे बच्चों में भी इसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं 2 टिप्स की जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था। तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या रहती है तो आपको हमेशा जो है हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए। दोस्तों हाई फाइबर डाइट लेने से क्या होता है कि जो आपका पेट का प्रॉब्लम होता है धीरे धीरे करके सही हो जाता है, आपको लैट्रिन साफ होने लगता है, तो इस तरह से आपका पाचन क्रिया धीरे धीरे करके रिस्टोर हो जाता है, आपको इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा पानी ज़्यादा पीना चाहिए, पानी आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। कई लोगों में देखा गया है कि पानी कम पीने की वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, तो पानी आपको रेगुलर पीनी चाहिए। दिन भर में कम से कम 4-5 लीटर पानी आपको अवश्य पीनी चाहिए ताकि आपका जो ओवरऑल हेल्थ कंडीशन है वो सही से चलता रहे। इसके अलावा आपको कोई भी स्पाइसी फूड नहीं लेनी चाहिए, फास्ट फूड नहीं लेनी चाहिए, और हमेशा जो है सलाद वगैरह की, फ्रूट वगैरह की सेवन करनी चाहिए। कुल मिला के काफ़ी बढ़िया दवा होता है झंडू नित्यम, 100% आयुर्वेदिक होता है, कब्ज नाशक का काम करता है,
कब्ज के लिए स्पेशलिस्ट दवा होता है ये। इसकी एमआरपी होती है दोस्तों 35 रुपये में आपको ये 10 टेबलेट मिल जाएगा। किसी भी मेडिकल स्टोर पे बड़ी आसानी से ये मिल सकता है। तो अगर आपको समस्या रहती है आपके पेट से रिलेटेड, आपके कब्ज को दूर करने के लिए ये काफ़ी उपयोगी होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दवाइयों और स्वास्थ्य से संबंधित इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो जिस चैनल पर आता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोज आपको रेगुलर मिलती रहे। मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।